नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की जो एग्जामिनेशन सिटी है, सेंटर है, डेट है, टाइम है, वो सारी आना स्टार्ट हो गई थी और 21 तारीख से आप लोगों के जो इंडियन कोस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड हैं वो आना प्रारंभ हो जाएंगे, मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज 21 तारीख है तो आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो आना प्रारंभ हो गए हैं। तो किस तरीके से और कैसे आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, क्या क्या लेकर जाना होगा, सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो लॉग इन वाला पेज है ये खुला हुआ है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल करनी होगी, ये देखिए मैं घेरे में दिखा रहा हूँ, यहाँ पासवर्ड डालना होगा या कैप्चा डालना होगा, लॉगिन करना होगा। जब लॉगिन आप लोग करेंगे तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉगिन जब आप लोग करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलकर आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल तो पहले दिखाई दे रही थी, एग्जाम डेट दिखाई दे रही थी कि 25 मार्च को पेपर है 2023 को, एग्जामिनेशन सेंटर जो था सिटी दिखा रहा था सिर्फ बरेली, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे रेड रेड में नोट प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड, ए कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड हैज बीन कैरिड बाय द कैंडिडेट टू द एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब आप लोगों को जो एडमिट कार्ड होगा उसका कलर प्रिंट आउट लेकर जाना होगा। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे होगा, उसके लिए आपको सबसे नीचे आना होगा, ये देखिए मैंने स्क्रॉल करके नीचे ले आया हूँ, ये देखिए डाउनलोड प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन क्लिक करने से पहले इस पर टिक करना होगा, जब टिक करेंगे तो इस वाले डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। जब एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा तो कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना होगा, वेट करने का जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप ओपन करेंगे तो देखेंगे ये देखिए मैंने ओपन कर दिया है, तो कुछ सेकंड के लिए आपका प्रोसेसिंग जो होगी वो वेटिंग में आएगी। तो आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर इसमें एडमिट कार्ड में आपको सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो आप यहाँ पर फोटो के साइड में देख सकते हैं आपको जो फोटो यहाँ पर ये लगा हुआ है, ऐसा ही फोटो यहाँ पर आपको पेस्ट करके लगाना होगा और मैंने आपको बता भी दिया कि इसका कलर प्रिंट आउट आपको इसको लेकर जाना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल इसमें दी गई है, नाम पिताजी का नाम, सारी डिटेल यहाँ पर दे गई है, डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड में क्या लगाया था वो सारी चीज। अब ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन डिटेल, आप ये देख सकते हैं 25 मार्च 2023 को पेपर होगा, ये तो पहले ही कंफर्म हो चुका है। किस शिफ्ट में होगा वो शिफ्ट आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, क्लोजिंग टाइम क्या रहेगा, एग्जामिनेशन टाइम क्या रहेगा। अब नीचे आप देखेंगे उसके नीचे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो इनका जो सेंटर है सेंटर कोड 287 है, जेके इन्फोटेक्स एमआर प्लाजा बेसमेंट एसबीआई बिल्डिंग ओपोजिट एमजी प्यार यूनिवर्सिटी पीलीभीत बाईपास रोड बरेली उत्तर प्रदेश। तो इनका जो सेंटर है वो बरेली में ही गया है, जो मैंने आपको भी एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर गया है। आप ये देख सकते हैं डूज नॉट डूज आलोड, क्या चीज आलोड रही ये देखिए, आप बनियान पहन कर जा सकते हैं, मतलब हाफ वाली जो बनियान होती है अद्धा वाली, चश्मा पहनकर जा सकते हैं, चप्पल पहनकर जा सकते हैं, लेकिन जूते जो होंगे वो इसमें अलाउ नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज यहाँ देख सकते हैं, आपको मैंने वो उसमें दिखा भी दिया, आप लोग जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो नीचे इंस्ट्रक्शन में दिखाई दे जाएगा आपको जूते पहनकर नहीं जाना है, आपको चप्पलें पहनकर जाना है, बाकी जो कार्रवाई होगी आप इसके इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड कर सकते हैं, सारी जानकारी को देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो फोटो आपको वहां पर लगाना होगा, पेस्ट करना होगा, जैसा फोटो था वैसा फोटो आप लोगों को वहां पर लगाना होगा और इसका कलर प्रिंट आउट आपको लेकर जाना होगा। आप लोग जब भी लेकर जाए तो दो प्रति इसकी लेकर जाए, एक पर फोटो लगा लें, एक आप अपने पास रखें। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ऑल आउट क्या क्या चीज की जो है परमिशन वहां पर है और क्या क्या चीज की परमिशन नहीं है। स्पेशल चीज मैंने आपको बता दी कि आपको बेल्ट पहनकर नहीं जाना है, आपको जूते पहनकर नहीं जाना, जूते अलाउ नहीं है, आपको सिर्फ चप्पलें पहनकर जाना है, बाकी चीज आप उसमें देख सकते हैं, मैं सारी चीज बता नहीं सकता, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एडमिट कार्ड है 2023 का जो आज से बताया गया था वो एडमिट कार्ड डाउनलोड होना प्रारंभ हो गया है, आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउनलोड करने में कहीं पर कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, मैं उसका जो एडमिट कार्ड होगा वो डाउनलोड करके दे दूंगा। और किसी स्टूडेंट का डाउनलोड नहीं भी हो रहा हो या किसी को डाउनलोड कराना हो, कोई दिक्कत हो, तो मेरा नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, आप अपना आईडी पासवर्ड देंगे, मैं आप लोगों को आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा, तो आप लोग मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। तो दोस्तों,
आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा एक नई ऑनलाइन फॉर्म संबंधी जानकारी के साथ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।